बैठी मोदी सरकार का विरोध आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किया। इसी तर्ज पर आज इंदौर शहर में भी विभिन्न स्थानों पर नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि का विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में ठेला गाड़ी पर मोटरसाइकिल रखकर एवं काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ एवं इंदौर शहर के कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के निर्देश पर अपने अपने क्षेत्रों में विरोध करने का आह्वान किया गया था, जिस पर आज पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 17 दिनों से लगातार भाजपा केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल में की जा रही मूल्य वृद्धि के विरोध में अपने स्थित कार्यालय पर मुंह पर काली पट्टी बांधकर एवं ठेला गाड़ी पर मोटरसाइकिल रखकर 5-5 कांग्रेस जन कार्यकर्ताओं ने अलग अलग विरोध किया। आज लगातार देश में 17वां दिन है, पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि लगातार, केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार पेट्रोल डीजल में मूल्य वृद्धि बढ़ा रही है, जिससे कोरोना बीमारी जैसे काल में लॉकडाउन के दौरान से लेकर अभी तक लोगों के काम धंधे के अते पते नहीं है, लोगों की नौकरियां तक चली गई हैं, वेतन कट रहा है, आम आदमी पहले से ही परेशान है, और ऐसे में लगातार पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि लगातार बढ़ाई जा रही है। जो पेट्रोल जो है 90 रुपये के आसपास जो है पहुंच चुका है, वहीं डीजल भी जो है 79 रुपये के आसपास या उसके आसपास पहुंच चुका है। लगातार पेट्रोल डीजल में की जा रही मूल्य वृद्धि से आम जनता की कमर टूट गई है, घर का बजट बिगड़ गया है। इसके विरोध में ही आज हमने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी के निर्देश पर जो है ठेला गाड़ी पर मोटरसाइकिल रखकर हमने जो है अपना विरोध किया है।